बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उबले हुए अंडे की ये रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 स्लाइस ब्रेड। इसको मैं पानी में डिप कर दूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अमेजिंग रेसिपीज़। और अब इसको निचोड़ लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये मैंने निचोड़ लिया। अब इसको एक बाउल में शिफ्ट करूँगी। 2 अंडे मैंने पहले उबाल लिए थे, अब मैं इनको इसमें ग्रेट कर दूँगी। अंडे ग्रेट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप चॉप्ड प्याज, धनिया, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, 1 हरी मिर्च कटी हुई। अगर आपकी डो पतली हो या ज़्यादा टाइट ना हो, आटे की तरह ना हो, तो आप इसमें कॉर्न स्टार्च और डाल लें। ये देखिए, ये डो तैयार है। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं कोई भी शेप दे, आप इसको कोई भी शेप रख सक दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ, टिक्की की तरह। ये देखें, ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना कर तैयार कर ली हैं। अब इसको एक एक करके फ्राई पैन गर्म गर्म तेल में डाल दूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ये देखें, इसकी एक साइड पक चुकी है। अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। याद है, हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है और मीडियम फ्लेम पर इसलिए पकाना है कि ये क्रिस्पी बने। इसकी एक साइड को पकने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट लग गए थे। ये देखें, अभी इसकी 6 मिनट बाद इसकी दूसरी साइड भी पक चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और फिर डिश आउट कर कर आपके दिखाती हूँ। ये देखें, ये टिक्की अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।